पीवीसी आधार कार्ड, यानी कि आप जो है अब प्लास्टिक का आधार कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पहले पता होगा कि आपको जो है आधार कार्ड जो है पेपर में आता था, वो कभी भी गल सकता था, कभी भी फट सकता था, लेकिन अब पैन कार्ड के जैसा बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे प्लास्टिक का आधार कार्ड में प्रिंट कैसे करवाया जाता है, और कैसे अप्लाई किया जाता है, और कैसे बाय पोस्ट के द्वारा कितने दिन में आपका घर पर आ जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो है UIDAI के वेबसाइट पे आ जाएंगे, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, तो जो है गेट आधार पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि हम आपको जूम करके भी बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या सा फीचर आपको मिलता है, वो थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। QR कोड का ऑप्शन आपको मिलता है, होलोग्राम का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैटर्न का भी ऑप्शन मिल जाता है आपके आधार कार्ड में, जो माइक्रो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब सारे फीचर आपको प्लास्टिक आधार कार्ड में मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए क्या सब ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है, आधार कार्ड नंबर से आप मंगवा सकते हैं, वर्चुअल आईडी से मंगवा सकते हैं, और EID से भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो है आधार कार्ड नंबर से ही अपना मंगवा लेंगे। उसके बाद इस जगह पर आप अपना 12 अंक का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी कोड वाले ऑप्शन पे आपको इंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर, यानी कि अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो है आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देंगे, एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है इंटर कर देते हैं OTP को। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना OTP डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट बटन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरीफाई योर आधार डिटेल्स, तो आपका यहाँ पे आधार डिटेल्स वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 50 रुपये का। तो यहाँ पे आप 50 रुपये का पेमेंट करेंगे तो आपके 7 दिन के अंदर में आपका जो है प्लास्टिक वाला आधार कार्ड आपके एड्रेस पर पहुँच जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं। मेक पेमेंट पर हमको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आप यहां पे जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो उस माध्यम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, और UPI के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ये मतलब है यानी कि आप अपने ATM से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद CVV नंबर जो आपके कार्ड के पीछे में होता है वो आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ कार्ड यानी कि आपके ATM कार्ड में किसका नाम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो है ATM का सारा डिटेल आप भर लेंगे, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल डिटेल है इसीलिए मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता हूं। तो चलिए हम यहां पे प्रोसीड पे क्लिक करके आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहां पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसके बाद आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर OTP को इंटर कर देंगे, उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे OTP इंटर करने के बाद मेक पेमेंट पे चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ₹50 मेरा जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, देखिए पेमेंट रिसीव्ड फॉर ऑर्डर आधार कार्ड, तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल मेरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट नंबर भी है, उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी भी है, उसके बाद कितना अमाउंट कटा है, ₹50 मैंने कटा है अभी तुरंत। उसके बाद मेरा जो है प्लास्टिक का आधार कार्ड आ जाएगा मेरे घर पे, मेरे एड्रेस पे 7 दिन के अंदर। यहाँ यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन स्टेटस यानी कि सक्सेस हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर एक रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पे, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मेरा जो है डाउनलोड हो चुका है।
तो आप जो है इसी तरीके से आप अपना प्लास्टिक का अगर आधार कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। इसमें आपका नहीं गलने का डर है, नहीं फटने का डर है। करना है कि आपका कहां तक आया है, कहां तक नहीं आया है, यानी कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो ये जो है आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपने जहां पे भी आपको स्टोर करना है इसको रख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बैग लेके चलते हैं। तो जैसे ही आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, यानी कि प्लास्टिक का जो कार्ड होता है, एक तरफ से नाम दिया गया है पीवीसी कार्ड। तो यहाँ पे देखिए आप स्टेटस इसका चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंटर करना पड़ेगा। तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड कहाँ पे है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इंटर एसआर नंबर, जो रिसिप्ट डाउनलोड करके बताया था उसी में एक एसआर नंबर होता है, तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना पड़ेगा। उसके बाद आधार नंबर होता है तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा जो है यहाँ पे आपको इंटर कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस पर आप चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों और भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।